और ये लड़ाई जो है वो स्वाभिमान की लड़ाई, ये लड़ाई जो है वो धर्मशाला के भविष्य की लड़ाई, और ये लड़ाई जो है मात्र धर्मशाला ही नहीं लड़ रहा बल्कि धर्मशाला का प्रत्येक नागरिक जो है वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार के साथ लड़ रहा है। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय सुधीर शर्मा जी यहाँ से जाएंगे और विधानसभा में बैठेंगे। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने युवाओं की लड़ाई लड़ी है। JOIIT के जो हमारे अभ्यर्थी बैठे थे 5,000 बड़े लंबे समय से वो धरना दे रहे थे सुधार के लिए, तो आदरणीय सुधीर शर्मा जी उनके बीच में गए, उन युवाओं की आवाज को उठा और उन युवाओं के लिए अपनी विधानसभा की सदस्यता तक को छोड़ी। हिमाचल की युवाओं की लड़ाई करने लड़ने वाले व्यक्ति को जिताकर हमने विधानसभा भेजना है, मंत्री बनाना है, ताकि ये युवाओं के साथ साथ हमारे प्रदेश और हमारे धर्मशाला की आवाज बनकर विधानसभा में गरजे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।